जाको राखे साइया मार सके ना कोई। यह जो कहावत आपने सुना है यह कोरबा जिले के रजगामार के ओमपुर में सत्य साबित हुआ है। लोग अक्सर दहशत में रहते हैं कि कहीं बरसात के मौसम में प्रकृति के द्वारा उन पर कोई आफत ना आ जाए, लेकिन ऊपर वाले के मर्जी के सामने किसी का नहीं चलता। फिर भी उस समस्या से बचने के लिए इंसान कुछ उपाय जरूर कर सकता है। हम आपको रजगामार के ओमपुर कॉलोनी का हाल दिखाते हैं, जहां पिछले दो दिनों से लगातार बारिश होने के कारण एसईसीएल कर्मचारी के मकान के ऊपर एक विशाल पीपल का वृक्ष गिर गया। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, बहुत बड़ा पेड़ था ये, और मेरे ख्याल से मेरी जानकारी में ये है कि अमीनलाल जी के क्वार्टर में चौहान जी के गिरा हुआ है, तो काफ़ी नुकसान तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिलहाल अब अमीनलाल जी चौहान जी को बताएंगे। और हम समझते हैं कि जो भी शासन प्रशासन का जो क्षतिपूर्ति होगी तो बिल्कुल वो यहाँ पर क्षतिपूर्ति नुकसान अमीनलाल चौहान को जिनको प्रदान करें। और करीब कितने पुराने हैं ये विशाल वृक्ष? लगभग मैं अपने बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ, मेरी उम्र 40-45 के आसपास है, तो मैं 40 साल से इसको लगभग देखते आ रहा हूँ। लगभग 40 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। उस वक्त घर में सभी सदस्य मौजूद थे, लेकिन गनीमत है कि बड़ा हादसा होने से टल गया। जबकि उस वक्त एसईसीएल का लाइन चालू था और विशाल पेड़ के गिर जाने से विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गया था। इसी तरह इसकी सूचना एसईसीएल के अधिकारियों को तत्काल दिया गया, जिस पर एसईसीएल प्रबंधन ने तत्काल उन पर कार्रवाई किया। तब जाकर ओमपुर वासियों ने राहत की सांस ली। रजगामार से RNN न्यूज के लिए असिस्टेंट चीफ एडिटर मनोज दिनकर की रिपोर्ट।